आसिम रियाज और हिमांशी खुराना बिग बॉस 13 में मिले थे और इसके बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई थी। दोनों अक्सर में लवी डवी फोटो शेयर करते रहते थे। अब ये कपल अलग हो चुका है। ब्रेकअप के बाद से आसिम और हिमांशी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। हिमांशी ने हाल ही में दुल्हन बनकर पोस्ट किया था, जिसके बाद आसिम ने मिस्ट्री गर्ल की फोटो शेयर कर दी, जिसके बाद से फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्टर की जिंदगी में एक बार फिर से प्यार ने दस्तक दे दी है। आसिम ने सोशल मीडिया पर मिस्ट्री गर्ल की फोटो शेयर की, जिसमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा, वो कैमरे की तरफ बैक कर खड़ी हुई है। हिमांशी ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ। हिमांशी के इस पोस्ट के बाद फैंस को लगने लगा कि वो अपने ब्रेकअप के बारे में फैंस को बताने वाली है। हिमांशी का ये पोस्ट देखने के बाद नेटिजन्स हैरान रह गए। कई का तो ये सवाल था कि क्या ये आसिम या उनके ब्रेकअप से संबंधित है। दूसरी तरफ अब आसिम ने अपने पोस्ट से हर तरफ हलचली मचा दी है। उनके पोस्ट के बाद फैंस जानने को बेताब है आखिर ये लड़की कौन है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है। बता दें कि आसिम और हिमांशी खुराना रियलिटी शो बिग बॉस 13 में प्यार में पड़ गए थे। कुछ सालों की डेटिंग के बाद 2023 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया। इसके पीछे की वजह उन्होंने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को बताया था। अब जब आसिम ने खतरों के खिलाड़ी के सीजन 14 में अपने विवाद के लिए सुर्खियां बटोरी, तो हिमांशी ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। उनमें से एक उन्होंने हिंट दिया कि वो अपनी कहानी का अपना पक्ष कैसे शेयर करना चाहती थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से नोट को हटा दिया था। हिमांशी ने हाल ही में पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी। हिमांशी का ये पोस्ट वायरल हो रहा है, जहां उनका ब्राइडल लुक सबको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर हर कोई सोच में पड़ रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक में आवाज है, वो जहर देता है, दुनिया की निगाह में आ जाता है, तो ये क्या है, मुझे वक्त पर दवा नहीं दी। बाद में हिमांशी ने भी एक बयान जारी किया, सभी के उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए कहा गया था। बता दें कि आसिम रियाज को हाल ही में खतरों के खिलाड़ी 14 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनका शो में रोहित शेट्टी और अभिषेक कुमार से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मेकर्स ने उन्हें शो से बाहर निकाल दिया था।